अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? तो यार हम लोग जब टूर पे गए थे तो हमने टूर पे ही सोच लिया था कि जैसे ही सखर पहुँचेंगे तो हम जिम ज्वाइन करेंगे ना। जिसको वज़न कम करना है कम करें, जैसे मुझे, बाकी जिसको बढ़ाना है वो बढ़ाए बॉडी बिल्डिंग वगैरह करके। तो दो काशा और अब्दुल्ला तो चले गए किसी और जिम में, हमने ज्वाइन कर लिया माज वाला जिम। तो बस अभी चलते हैं जिम में, देखते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। तो यार वेट वगैरह बहुत बढ़ गया था तो हमने सोचा कि जिम जाएँ, क्योंकि माज तो जाता ही रहता था रोज़ जिम फिटनेस के लिए। मेरा भी वेट बहुत बढ़ गया था, पहले करता था, तो हमने सबने सोचा कि अब जिम चले। हाँ भाई रेडी हो जिम के लिए? तो अभी चलते हैं अंदर, शर्म आ रही है पहली दफ़ा जाते हुए। तो यार रश तो बहुत हो रहा है, जैसे अंदर शादी चल रही है क्या। अभी चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं क्या माहौल है। तो इतना रश तो खैर नहीं है, बाकी अपना देखते हैं। जहाँ पर हमें फिटनेस करनी है कासिम और मैं फिटनेस करेंगे। यार क्या है यार, ये क्या गंदी चीज़ है। पहले एडमिशन करवाना था तो जो जिम के जो ओनर है, तो फिर उससे अभी पहले हम फीस वगैरह देते हैं, उनको बोले हमें थोड़ा कम कर दो। ये आ चुके हैं मिस्टर पाकिस्तान तीनों की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत उस्ताद, एक महीने में मुझे कम कर दो बस। रेगुलर जिम आओ, डाइटिंग अच्छी करो, हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह देखते हैं कि एक महीने में कम होते हैं नहीं होते हैं। अभी चलते हैं उस्ताद, कैसे स्टार्ट करना है ये बता दो। आ जाओ अंदर, आ जाओ कार्डियो रूम में, आ जाओ। चलो भाई, उस्ताद की आप बॉडी देख सकते हो, माशाल्लाह बेहतरीन बॉडी है। माँ साहब आप क्या कर रहे हो 2 साल से जिम में? तुमसे अच्छी बॉडी तो मैंने बना ली घर में फास्ट फूड खा खा के। साइकिल 10 मिनट ये साइकिल चला दिए, साइकिल चला के आपसे मिलता हूँ। तो साइकिलिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बहुत जिम किए तो मुझे इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेनर से पूछनी अच्छी बात है। ये लोगों के वज़न बढ़ाने की जगह, मतलब कम करने की जगह बढ़ा लें। यहाँ तो कॉपीराइट लगेगा। तू क्या फिटनेस करेगा, क्या करेगा बॉडी बिल्डिंग? यही करियो बस। फिजिक्स पता ही नहीं बनता कैसे, पर लगा फिजिक्स हमने पढ़ी है सिर्फ, बाकी हम ये नहीं पता कि कैसे लगती है। इसमें भी नहीं जाने का यार इस एरिया में तो वेटिंग ही चल रही है। अब इस भाई की बात मैं ही लगाऊंगा, ये मेरे ख्याल में पेट कम करने का कोई ना कोई है सिस्टम, देखते हैं।
जिम विम से फारिग हो गए तो बस अभी आए बैठे हैं, थोड़ा थक गए थे क्योंकि आज फर्स्ट डे था। पहले तो मैंने बहुत जिम किए, वेट भी कम से कम मैंने 35 से 40 किलो कम कर लिया था। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा उसमें आप देखना। अब ये कि वेट 12 बढ़ गया है, तो बस अभी पानी शानी पीते हैं और बस अभी ये कि बस दुआ यही है कि रेगुलर आए, बाकी डाइटिंग से कुछ नहीं होता। आप बस ये कि ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खाओ, क्योंकि मैंने डाइटिंग भी की हर चीज़ की है तो डाइटिंग से बंदा बीमारी हो जाता है। बस आप ये कि डेली जिम करो और ऑयली चीज़ें मत खाओ, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाओ, खाना पीना जैसे खाना खाओ, बहुत ओवरलोडेड नहीं खाओ, कम खाओ लेकिन ऐसे ही कम होता है। ये नहीं कि आप दिन रात भूखे रहो और सलाद खाओ खीरा खाओ, इससे कुछ भी नहीं होता। जो ये करते हैं बेचारे वो आधा किलो भी वज़न कम नहीं कर सकते। तो बस अब यही है कि इंशाल्लाह कोशिश यही है कि एक महीने के अंदर कम से कम 10 किलो तो कम करूँ, क्योंकि चाय वगैरह पीने आए। वैसे चाय बहुत नुकसान है वेट के लिए, जो चाहते हैं ना वेट लूज़ करना सबसे पहले वो चाय छोड़ दे। जिसने चाय छोड़ दी समझो उसका वेट लूज़ वैसे ही हो जाएगा। ये किस्म ये एक कप एक किस्म का बिरयानी की एक प्लेट है। खैर तो यार कल जिम ज्वाइन किया तो मैंने सोचा आज थोड़ी डाइटिंग हो जाए, नाश्ता ऐसा करें जो बिल्कुल भी फैट ना बढ़ाए। तो फिर अभी मैं नाश्ता लेके आया हूँ अपने लिए, हलीम ये अंडे पता नहीं है काली मिर्च करके कैसे अंडे कर दिए और पराठे पठान के। खैर यार जब अल्लाह ने आपको दिया है तो खाने पीने के लिए दिया है ना, तो बंदा खाए पिए इस टेंशन में नहीं हो कि पराठे नहीं खाने, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वेट बढ़ जाएगा। खाओ पेश करो, हाँ जिम करते रहो। खैर मैंने अपना टारगेट ये बनाया है कि मैं इंशाल्लाह एक महीने के अंदर कम अज़ कम 8 से 10 किलो वज़न कम करूँ, और मेरा अगर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को भी टिप्स दूँगा। तो इस व्लॉग का यही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ करें कि अल्लाह करे मैं डेली जिम जाऊं रेगुलर और वज़न कम कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।